हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, वेलकम टू द एविएशन कैरियर माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी की जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में। इंडियन नेवी के साइट से ग्रुप सी के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। सो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इस अपडेट्स के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको टोटल वैकेंसीज कितने आए हुए हैं, किस पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है, कितना फ़ी रखा गया है, सो एवरीथिंग आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ उस वीडियो में। सो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहे। बिकॉज मैं इस चैनल पे जितने भी एयरलाइंस हैं, या वो डोमेस्टिक एयरलाइंस हो या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, सारे एयरलाइंस के जॉब डेट्स को लेके आते रहता हूँ चैनल पे। इसके अलावा जितने भी डिफेंस सर्विसेज हैं लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एंड इसके साथ साथ जितने भी स्टेट लेवल के डिफेंस सर्विसेज हैं, वो सारे डिफेंस सर्विसेज के जॉब डेट को लेके आते रहता हूँ और आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर ले, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी मैं वीडियो को पोस्ट करूँ। नाउ विदाउट फर्दर एनी डिले मूव करते हैं आज की अपडेट्स की ओर। ठीक है, आपसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये अपडेट स्पेशली फॉर 10th, 12th एंड ITI स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। इसको इस वीडियो को देखने के बाद वो स्टूडेंट जरूर इसको अप्लाई कर दें, इसमें ज़्यादा फी भी रिक्वायर्ड नहीं किया गया है। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज के नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से ग्रुप सी के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है, ट्रेडमैन मेड पोस्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1159 वैकेंसीज है। एंड इसको अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है वो 22 फरवरी 2021 से 7th मार्च 2021। ठीक है, इसका स्टार्टिंग डेट 22 फरवरी है एंड लास्ट डेट 7th मार्च 2021 है। टोटल 1159 पोस्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट एंड टोटल पोस्ट, इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न नोबल कमांड के लिए UR में 303 वैकेंसीज है, OBC के लिए 163 वैकेंसीज है, SC के लिए 116 वैकेंसीज है, ST के लिए 57 वैकेंसीज है एंड EWS के लिए 71 वैकेंसीज है। टोटल 710 वैकेंसीज है। नाउ आगे मूव करते हैं, वेस्टर्न नोबल कमांड के लिए UR में 133 वैकेंसीज है, OBC के लिए 87 वैकेंसीज है, ST के लिए 48 वैकेंसीज है एंड ST के लिए 24 वैकेंसीज है, EWS के लिए 32 वैकेंसीज है। टोटल 324 वैकेंसीज है। साउथर्न नोबल कमांड के लिए UR में 57 वैकेंसीज है, OBC के लिए 37 वैकेंसीज है, SC के लिए 16 वैकेंसीज है, ST के लिए 2 वैकेंसीज है एंड EWS के लिए 13 वैकेंसीज है। टोटल साउथर्न नोबल कमांड में टोटल वैकेंसीज 125 है। ऑल वैकेंसीज को इंक्लूड करने के बाद टोटल 1159 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन को कोई भी मेल एंड फीमेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 10th, 12th या फिर ITI हो, डिप्लोमा होल्डर हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा गया है। नाउ आगे मूव करते हैं, अप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे। तो यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी विल बी 205 रिक्वायर्ड किया जा रहा है, मीन्स 205 रुपीज रखा गया है जनरल एंड OBC स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नो फी फॉर SC ST PH एंड ओमन कैंडिडेट्स। SC ST एंड ओमन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है ये अप्लीकेशन। नाउ आगे मूव करते हैं, एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट यहाँ पे कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स, मींस मिनिमम एज यहाँ पे 18 इयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है एंड मैक्सिमम 25 इयर्स। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD एंड PH कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज,
किस किस कैटेगरी के लिए कितना दिया गया देख लेते हैं। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मीन्स एससी एसटी स्टूडेंट 30 ईयर्स तक है का अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ओबीसी वाले 28 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ मैक्सिमम 25 दिया गया है एंड उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जा रहा है, मीन्स मैक्सिमम 28 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। PWD की बात करेंगे तो उनको 10 ईयर्स का एजुकेशन दिया गया है एंड एक सर्विसमैन को 3 ईयर्स का दिया गया है। नाउ आगे मूव करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जहां से भी इंडिया में ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं आप, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके जो लोकल सिटी है वहीं पर दिया जाएगा, यानी आपके जो स्टेट के कैपिटल्स होंगे राजधानी होंगे वहाँ पर ही एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया इसका एग्जाम सेंटर रखा जाएगा, आप जिस भी एरिया से अप्लाई कर रहे हैं उसके नियर बाई आपको एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा। नाउ आगे मूव करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपका एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे क्या क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का रहेगा, नोमरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का रहेगा, जनरल इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का रहेगा। मीन्स टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में 25 नंबर का मार्क्स रखा गया है। नाउ एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी बता दिया गया है कि आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ के आना है और किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को आपको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नाउ क्वांटिटेटिव एबिलिटी को में से आपको क्या क्या पढ़ना है उस टाइप यहाँ पे दिया गया है सब कुछ, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ के पढ़ना है और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। नाउ जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको आपको एक बार स्टडी कर लें अच्छे से। एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में भी दिया गया है। सो आपका टोटल एग्ज़ाम सिलेबस जो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, यही 4 टाइप्स के जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आप इसको एक बार स्टडी कर लेना ठीक है अच्छे तरीके से, देन इसको अप्लाई करना। नाउ आगे मूव करते हैं, इसको डाउनलोड करने के लिए जो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये वाला नोटिफिकेशन का ओपन हो जाएगा जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके इसको भी पढ़ सकते हैं। नाउ अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा ठीक है। ये वाला वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा, ये वाला इंटरफेस आ जाएगा आपको, देन आपको यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी पे क्लिक करना है, यस करना है, तो आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है ठीक है। एंड एक और बात, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस पेज को देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसको एक बार स्टडी कर लें अच्छे से, देन इसको अप्लाई करें। और इस इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी देख लें एक बार ठीक है। सो फ्रेंड्स इस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, जो भी 10th 12th एंड ITI होल्डर स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे फ़ी भी बहुत कम रखा गया है, 205 रुपीज़ फ़ी है जनरल एंड OBC वालों के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट है जो एंड वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए तो फ़ी भी रिक्वायर्ड नहीं किया जा रहा है। सो इस अपडेट को मिस ना करें, बहुत ही अपडेट आया हुआ है अच्छा खासा। फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आप एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। आप चाहे अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल भी लिख सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है theaviationcarrier@gmail.com। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।